गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास सिक्स साइंस चैप्टर 11 मेजरमेंट एंड मोशन का 121 पेज पर एक्सरसाइज बी करेंगे। ये बी एक्सरसाइज है, बी एक्सरसाइज करेंगे। इसमें क्या है, राइट द करेक्ट रीजन फॉर ई। इनके लिए आपने करेक्ट रीजन दे रहे हैं। इसमें फर्स्ट देखो, इसमें व्हेन 1 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन, जब 1 मीटर को 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया जाता है, ईच डिवीजन इज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ईच सेंटीमीटर, हरेक जो है ना, हरेक डिवीजन जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, इसका कारण क्या है, देखो ये इसका कारण है, सी पार्ट आएगा इसमें, सी ऑप्शन आएगा इसमें। 100 सेंटीमीटर मेक 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, उनसे एक 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है, मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस वजह से ये 1 मीटर डिवाइडेड टू 100 इक्वल डिवीजन इज इन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, इसका सी ऑप्शन आएगा। सेकंड देखेंगे अभी, इसमें सेकंड है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ पीरियोडिक मोशन। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें उसमें ये बताना है इनमें से कौन सा जो है पीरियोडिक मोशन की एप्लीकेशन है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ये फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता है बार बार। ठीक है ना, वो होता है पीरियोडिक मोशन। इसमें क्या आ जाएगा, देखो ये बी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये ए, ट्यूनिंग फॉर्क प्रोड्यूसेस साउंड। ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है, उसके जो वो जो वाइब्रेट करता है, वो फिक्स इंटरवल के बाद वाइब्रेट करता है वो। ठीक है ना, उसका वाइब्रेशन फिक्स इंटरवल के बाद होता है, टाइम इंटरवल के बाद होता है। तो इसलिए क्या है, वो ये पीरियोडिक मोशन होता है उसका भी। और डी आता है अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। अर्थ का जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन जो होता है, वो भी एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद होता है। इसलिए ये भी क्या है, ये पीरियोडिक मोशन है। ये भी पीरियोडिक मोशन होता है, ये मोशन जो होता है। तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन भी आएगा और डी ऑप्शन भी आएगा, दोनों ऑप्शन आएंगे इसमें, ये दोनों रीजन आएंगे इसमें। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये थर्ड, मोशन इज रिलेटिव। मोशन जो है रिलेटिव होता है। ठीक है, उसका ऑप्शन क्या है, इसमें क्या आएगा, लिखने के लिए मोशन इज चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट सराउंडिंग विद टाइम। मोशन जो है अपनी पोजिशन, मोशन ये चेंज इन पोजिशन, मोशन क्या होता है, चेंज इन पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद टाइम। सराउंडिंग अंदर जो रिस्पे जो चीज ऑब्जेक्ट होते हैं, थिंग्स होती हैं, उनके रिस्पेक्ट अपनी पोजिशन चेंज करता है टाइम के विद टाइम, टाइम के साथ में। ठीक है, इसलिए क्या है, मोशन रिलेटिव होता है, मोशन इज रिलेटिव। फोर्थ देखो, ये मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक इज पीरियोडिक। हैंड्स ऑफ क्लॉक है वो पीरियोडिक है। पीरियोडिक मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद फिर से रिपीट होता है वो मोशन जो होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, द मोशन रिस्पेक्ट इटसेल्फ आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। The motion repeats itself after a fixed interval of time. जो मोशन जो है वो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता है बार बार, बार बार वही मोशन होता है, तो वो पीरियोडिक मोशन होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए आएगा। थैंक यू।